सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की याचिका पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि इस याचिका में चुनाव आयोग को चुनाव बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें SBI के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। दरअसल SBI पर आरोप है कि उसने जानबूझकर चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिए गए पैसों की डिटेल 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना की है। आपको बता दें कि पिछले महीने 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और राशि का खुलासा करने का आदेश दिया गया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने योजना को तुरंत बंद करने का आदेश देते हुए SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की डिटेल 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। वहीं चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे। इसी बीच SBI ने सोमवार यानी 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए चुनावी बॉन्ड की डिटेल का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की है। SBI द्वारा 30 जून तक का समय मांगने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार और SBI पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि BJP जानकर इस चीज को छुपाना चाह रही है और SBI इसमें उसकी मदद कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने SBI पर आरोप लगाते हुए कहा था कि SBI मोदी सरकार का साथ दे रही है और वह नहीं चाहती कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जितने भी जो है वो फंडिंग की गई है लोगों के द्वारा वो सामने आ सके, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो इससे मोदी सरकार की पोल खुल जाएगी। आपको बता दें कि SBI ने चुनावी बॉन्ड का डिटेल देने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की है और इसी पर अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो 11 मार्च को सुनवाई करेगा।